मेरे पारिजात का प्लांट रूट बाउंड हो गया है, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो आज वो समय आ ही गया है, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने का सोचा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश भी होने वाली है, तो इसलिए सोचा आज ही इसका काम निपटा लूँ। इसमें रूट इस तरीके से बाउंड हो चुका है कि गमले से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है प्लांट, इसलिए मुझे इस सरिया की मदद से इसको मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा ही था कि लगा चुके हैं। तो जब भी मैं इसमें पानी दे दी थी तो पानी सारा नीचे आ जाता था और मिट्टी थोड़ी देर में सूखी सूखी सी लगने लगती थी, और इसमें फूल भी बहुत कम आ रहे थे। लास्ट ईयर इसमें बहुत अच्छे फूल आए थे, तो सोचा इसको रिपोर्ट ही कर दूँ। ये देखिए इसकी जड़ें ऐसे मिट्टी के साथ आती ही आ रही हैं। पारिजात का प्लांट एक बहुत ही प्लांट है, इसके फूल जो हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, और इसके फूलों की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर इस पेड़ के पास से भी देखते हैं तो आपको वो सौंधी सौंधी में आती ही रहेगी, इसलिए आप उसको अपने घर पर जरूर लगाइए। एक पॉट में भी आप लगा सकते हैं, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, पहले मैं उसको छोटा सा लेकर आई थी नर्सरी से, एक साल पहले से छोटा सा था, और धीरे धीरे ये देखिए मैंने दो तीन बार इसको तो ये काफ़ी बड़ा एक ट्री की तरह हो गया है। अभी मेरे पास इससे बड़ा प्लांट पर नहीं है, तो मैं इसी में इसको डालूँगी। ये देखिए तो लंबाई आप देख रहे हैं, बड़ा ये हो चुका है, निकालने में पैर से इतनी मुश्किल हो रही है, नीचे से लटाना पड़ा फिर भी ये नहीं निकला। और पूछ रही हूँ खाली इसको करने लगी मैं, अब मैं इसको छोड़ दूँगी, मेरी बहुत ताकत चली गई है। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, हमारे रात में बहुत तेज बारिश हुई थी, मिट्टी देखिए आप काफ़ी गीली और साफ हो चुकी है, क्योंकि जो बारिश के पानी में बात होती है तो ऊपर से दिए हुए पानी में नहीं होती है, इसलिए भी मैंने इसे शाम को छोड़ दिया था रिपोर्ट करने के लिए। ये दूसरे दिन करेंगे, आज सुबह सुबह मैं इसे कैसे लग गई, अब ये देखिए आसानी से निकल गया है। और इसमें रूट देखिए, हालांकि उतनी मोटी रूट को डेवलप नहीं है, क्योंकि पूरा ये काम हो ही चुका है, गमला बहुत ही छोटा है, इसलिए भी इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत हो गई। और वैसे भी मैं ये करती रहती हूँ, थोड़ा अपना टाइम भी निकल जाता है और पौधों की केयर भी हो जाती है। ये देखिए इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी रूप के साथ निकाल लेंगे हम, मेन रूप से हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरी मिट्टी निकाल दी तो पौधों को रिपोर्ट करने के बाद एडजस्ट करने में बहुत सारी परेशानी होगी, इसलिए हम इसकी टॉप की सॉइल को नहीं खराब करेंगे, बस नीचे नीचे की सॉइल को की मदद से निकालेंगे। अभी मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो गई कि आसानी से निकल जा रही है, क्योंकि बताया था कि रात में बहुत तेज बारिश हुई, और वो सही भी रहा कि मैंने इसको रात में छोड़ दिया था। दिन में जो मैंने इसमें काम किया था बहुत मेहनत लगी थी, और अभी तो ये आसानी से ही निकल गया पॉट से। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको मैंने भी पूरे दो दिन लगे रिपोर्ट करने में, जब जड़ें पूरी रूट बाउंड हो जाती हैं तो गमले से आसानी से नहीं निकलती हैं, और उनको खींचने में हाथों में बहुत दर्द हो जाता है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था पहले दिन। आज तो ये बहुत आसानी से ही हो गया, और इसको मैंने धीरे धीरे इसकी सारी एक्स्ट्रा मिट्टी और रूट को निकाल दिया,
दिन उसको इतना निकाल लेंगे कि आगे जल्दी से इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़े होते हैं इसमें दिखाई देगा। कम से कम 8-10 फीट का तो ये हो चुका है। अभी इसमें फूल भी आते हैं और यही महीना रहता है अगस्त सितंबर का जिस समय इनमें फूल आते हैं, और इनके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इनमें ऑरेंज कलर का नीचे से ऑरेंज और वाइट कलर में होते हैं, और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और इसी गमले में हम इसको डाल देंगे, मिट्टी साफ़ ही है क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रकार वगैरह बीच बीच में डालती रहती हूँ। ये पत्तियाँ हैं जो प्लांट से निकली हुई हरी, वो हम इसकी नीचे से जड़ों में डाल देंगे। जो करके डालते हैं वो डालती रहती हूँ, तो धीरे धीरे करके खाद बन जाते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मीठा आ गया, पर ऐसा नहीं है। जब ये धीरे धीरे उसके जैसे नीचे से पत्ते वगैरह डाले हुए हैं नीचे डालेंगे तो ये प्लांट अपने आप ही नीचे चला जाएगा। उसमें पानी देने से भी मिट्टी थोड़ा सा रखेगी और ये नीचे चला जाएगा। इसलिए हमेशा मैं ज़्यादातर प्लांट को थोड़ा ऊपर ऊपर ही लगाती हूँ, क्योंकि पहले ही अगर नीचे लगाएंगे तो वो और नीचे चला जाएगा और फिर मिट्टी कम हो जाएगी। ये बड़ा प्लांट है, वैसे भी पॉट छोटा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मिट्टी देखिए काफ़ी गीली हो चुकी है हल्की बारिश से, जो थोड़ा बहुत मैंने पहले दिन निकाली थी वो तो और भी गीली हो गई है। इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे और उसमें थोड़ा पानी दे देंगे, और पानी देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें और उसमें मिट्टी जाने के लिए, तो इसको अच्छे से हाथों से दबा के और इसमें मिट्टी डाल देंगे, तो पानी देने से मिट्टी थोड़ा और अच्छे से बैठ जाती है। इसमें भी अच्छे से हम इसमें पानी दे देंगे। अभी तो ये और अभी आपको लग रहा है और ये बहुत अच्छे से नीचे बैठ जाएगा, और रिपोर्टिंग के बाद ये इसका फाइनल व्यू है। देखिए आप, इसका तना काफ़ी मोटा हो गया है, और ये देखिए आज हमारे यहाँ पर धूप है, रिपोर्ट करना जरूरी था, तो इसलिए पेड़ वाले एरिया में भी रखेंगे। और वैसे भी मैंने इसके लिए डिस्टर्ब नहीं किया है, तो आसानी से पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।